Hello friends, welcome back to my channel and hope you are doing well. So आज मैं आप सभी को एक सुंदर सी पेंटिंग दिखाने वाली हूँ. Okay? So for that we need any kind of frame, some earbuds and poster colors. So let's start. So friends, मैंने ये ली फ्री है और अब मैं इस पे व्हाइट कलर करूंगी. यू कैन डू एनी कलर. सो फ्रेंड्स, अब मैंने इस लीफ पे कलर कर दिया है और अब मैं इस पेपर पे पेस्ट कर दूंगी. So friends, ये मेरा हो गया है and now let it dry. So friends, अभी मेरा dry हो गया है और अब मैं इस वाली leaf का इस्तेमाल कर रही हूँ. So पहले मैंने ये smallest leaf ली थी, अब मैं इस वाली leaf का use करूँगी. So friends, अब मैं इसमें green color लगाऊंगी. So friends, अब मैंने इस लीफ को कर दिया है कलर ग्रीन कलर. सो अब मैं इस पे प्रिंट करूंगी. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने डार्क ग्रीन का पूरा प्रिंट कर दिया है. सो ताकि ये और भी रियल लगे, सो इसलिए अब मैं लाइट ग्रीन कलर का यूज करूंगी. So friends, at least मेरा leaves का काम खत्म हो गया है. So मुझे थोड़ा जंगल वाला लुक देना था, इसलिए मैंने थोड़ी येलो लीव्स भी प्रिंट कर दी है. So अब मुझे ईयरबड का काम है. So हम ईयरबड का एक बंच बना देंगे पहले. तो फ्रेंड्स, आप ईयरबड का बंच बना के उस पे एक रबर लगा दोगे. ओके, ताकि ये हिले ना, और अगर हिलेगा तो प्रिंट अच्छे से नहीं आएगा. सो इसलिए आप इसको इक्वल और टाइट रबर बैंड लगा देंगे. सो फ्रेंड्स, अब मैं येलो कलर लगा रही हूँ अपने ईयरबड में और अब मैं फ्लावर का लुक दूंगी. और फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखना कि टिप्स पे ही आपको कलर लगाना है, यहाँ तक ज्यादा ऊपर नहीं लगाना है. ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं स्काई ब्लू कलर करने जा रही हूँ और स्काई ब्लू कलर ब्लैक पेपर पे बहुत सुंदर लगता है. जैसे ये फ्रेंड्स, अब मैंने पिंक कलर लिया है.
friends, finally my jungle painting is done. Look at this. It is looking very beautiful, right? So आप भी ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं डिफरेंट तरीके की लीव्स यूज करके और डिफरेंट कलर्स यूज करके. मैंने ऐसे ही एक और पेंटिंग बनाई है. लेट मी शो यू. लुक एट दिस ऑल्सो. इट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. सो आप ऐसी पेंटिंग प्लीज जरूर ट्राई करिएगा. एंड हियर माय ब्लॉग एंड्स. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बाय बाय. लव यू ऑल.